अंग्रेजों के यहां से विदा होने तक केवल 4% तक सीमित रह गया था। अब आप अनुमान कर सकते हैं, जब कोई जाति, जब कोई समुदाय अपने स्वयं के स्वत्व को खो देता है, अपने सम्मान को खो देता है, अपने स्वयं के अस्तित्व के साथ जूझ रहा होता है, उसे अपने पर गौरव की अनुभूति नहीं होती है, तो वह इस प्रकार के अंधकार में भटक करके अपने स्वयं के अस्तित्व से जूझता हुआ दिखाई देता है। और यही सब कुछ हमारे साथ भी हुआ। हमने धर्म कहा, लोगों ने धर्म निरपेक्ष को जोड़ दिया। हमने संस्कृत कहा, लोगों ने कहा नहीं ये उर्दू है। हमने हिंदी कहा, लोगों ने कहा नहीं नहीं ये तो अलग अलग भाषाएं हैं, कहीं मराठी कह दिया, कहीं तमिल कह दिया, कहीं पर राजस्थानी कह दिया, कहीं पर भोजपुरी कह दिया, कहीं पर मलयालम कह दिया, कहीं पर किसी और रूप में बांटने का प्रयास हुआ। हमने एक राष्ट्र की बात की तो हमें कह दिया गया नहीं ये तो बहुराष्ट्र है, अलग अलग राष्ट्रीयताएं हैं। इस ताकत को कमजोर करने का प्रयास हुआ और वो संकीर्णताएं जो जगह जगह उभरती गई, हम उसके पीछे अपने स्वार्थ ढूंढते गए। याद करिए, विगत 5 वर्षों के अंदर भारत के अंदर जो परिवर्तन हुआ है और दुनिया के अंदर जो बदलाव देखने को मिला है। अभी इस वर्ष ये मेरा सौभाग्य है कि मैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूं और इस वर्ष मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर 3 बड़े आयोजन करने के अवसर प्राप्त हुए। एक दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज कुंभ। प्रयागराज कुंभ का आयोजन, हमारे यहां कोई धार्मिक आयोजन करने का मतलब क्या होता था? लोग मानते थे कुंभ का मतलब जहां भगदड़ हो, जहां अव्यवस्था हो, जहां अराजकता हो, जहां पर चीटिंग हो, जहां गंदगी हो। हमारी सरकार मार्च 2017 में आई थी, जब जून 2017 में मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से भेंट की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेने के लिए मैंने उनसे समय मांगा, तो उन्होंने मुझे साथ उन्होंने कहा कि देखिए योगी जी, 2019 के प्रारंभ में कुंभ का आयोजन होगा यूपी में, और कैसे हो सकता है ऐसा? आप जो इस हमारे पर्व और त्योहारों के पीछे लोगों ने जिस प्रकार की बातें लगा दी गई हैं, जो धब्बे हम पर लगा दिए गए, क्या हम उससे अपने इन पर्व और त्योहारों को उभार पाएंगे? मैंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया, अपनी पूरी टीम को जिम्मेदारी दी। मैंने कहा भी दुनिया की एक यूनिक इवेंट के रूप में कुंभ को प्रस्तुत करना है। कैसे होगा? समय हमारे पास कम था। जब मैं अपने अधिकारियों के साथ बैठा, उन्होंने कहा साहब जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं इसके लिए 5 साल चाहिए, हमारे पास तो एक ही साल है। मैंने कहा लेकिन एक साल के अंदर ही इस कार्य को करना है। और मित्रों, आप में से जो भी प्रयागराज कुंभ में गया होगा उसने इस बात को देखा होगा, प्रयागराज कुंभ में इस वर्ष 15 जनवरी से 4 मार्च के बीच 24,56,00,000 श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में कुंभ में संगम के तट पर डुबकी लगाई थी। चौबीस करोड़ छप्पन लाख लोग जिस आयोजन में आए हों, वो आयोजन किसी भी प्रकार के दुर्घटना से मुक्त था। कोई भगदड़ नहीं थी, कोई अराजकता नहीं थी, कोई अव्यवस्था नहीं थी, कोई गंदगी भी नहीं थी, कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं थी जहां पर लोग ये कह सकते हों कि वास्तव में हम लोगों ने
उस आयोजन को उस रूप में जोड़ने का प्रयास किया। हां, हमने टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया। लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे क्यों करते हैं, ये तो परंपरा के विरुद्ध है। मैंने कहा परंपरा के विरुद्ध होता तो स्वामी जी का नाम विज्ञानानंद नहीं होता। ज्ञान और विज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाना ही ये वास्तव में हिंदू परंपरा है। एक साथ मिलकर के हम जब एक साथ उसको लेकर के चलते हैं, वही हमारी परंपरा है। हमने उसको कभी भी अपने आप से अलग नहीं किया है। हमने क्या सुरक्षा के लिए मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए, एक एक गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए। मैं जानता था क्योंकि जब मैं आयोजन की तैयारी कर रहा था लोग मुझे डराते थे कि क्या कर रहे हैं। हजारों वर्षों की विरासत में कुंभ की ब्रांडिंग के लिए मैंने लोगो बनाया, लोग कह रहे क्या कर रहे हैं। मैंने कहा देखने दीजिए, करने दीजिए, थोड़ा इसके पीछे इसको फॉलो कर लीजिए। हमने लोगो बनाया सर्व सिद्धि प्रद कुंभ, सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला कुंभ है। बहुत सारे लोगों ने तमाम टिप्पणी की, लोगों ने हाथों हाथ लिया, वैश्विक स्तर पर इसे पहुंचाना है। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी से संपर्क किया। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि दुनिया के जितने भी मिशन भारत के अंदर हैं, इन सब के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स एक बार प्रयागराज कुंभ में आए। पहली बार 72 देशों के एम्बेसडर और उनके हाई कमिश्नर प्रयागराज गए, उन्होंने अपने अपने देशों की ध्वजा वहां पर स्थापित की। प्रधानमंत्री जी ने कहा थोड़ा एक प्रयास और हो सकता है क्या कि 193 देश जो यूएनओ के सदस्य देश हैं, इन सदस्य देशों के वहां के मूल नागरिकों को इस कुंभ में आमंत्रित किया जाए। 187 देशों के लोग आए थे प्रयागराज कुंभ में, और भारत के अंदर 6,00,000 गांव हैं। हमने निमंत्रण भेजे, जब मैं निमंत्रण भेज रहा था तो लोग मुझसे कहते थे कि चुनाव के ठीक पहले ये कर रहे हो, क्या बवाल पाल रहे हो, ये कोई घटना हो जाए, कोई बात हो जाए तो लोग क्या कहेंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैंने कहा चिंता मत करिए, नियत साफ होनी चाहिए, बाकी ईश्वर अपने आप मदद करता है। और आप आश्चर्य करेंगे 6,00,000 लोग, 6,00,000 गांवों से भी प्रतिनिधित्व प्रयागराज कुंभ में हुआ। भारत के अंदर हर उपासना विधि को हमने आमंत्रित किया, उनको स्थान दिया, जगह दिया, कुंभ का विस्तार किया, प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया, उपयोग किया। और इसका परिणाम था कुंभ एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रयागराज की धरती से हुआ। लेकिन उससे पहले मैंने इस चीज को भी जरूर किया, मैंने कभी अपने स्वत्व का एहसास भी कराना चाहिए, तो इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया। हमने कहा यह होना जरूर है। मित्रों, उस सत्य का एहसास हम सबको होना चाहिए, और वह इसी दौरान हमें एक आयोजन करने का अवसर मिला था, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन। यह भी हम लोगों ने दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी में किया। अगर मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है तो उस देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी के रूप में काशी का अपना महत्व है। और जब मुझसे कहा गया कि प्रवासी भारतीय दिवस कहां होगा, क्या उत्तर प्रदेश कर पाएगा चुनाव के ठीक पहले, मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। लोग मानते थे कि हम लोग लखनऊ में करेंगे, मैंने कहा नहीं, लखनऊ तो हमारे प्रदेश की राजधानी है, और दुनिया का जो भी हमारा अप्रवासी भारतीय या भारतवंशी परिवार आएगा और उत्तर प्रदेश की राजधानी को देखने के लिए नहीं, और दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी को और अपनी आध्यात्मिक राजधानी को देखने के लिए आएगा। हम काशी में करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात के लिए सहमति दी कि हां काशी में होना चाहिए, लेकिन काशी में आयोजन हो, होटल कहां से इतने आएंगे,
विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरे होटल है ही नहीं काशी में, इतने कहां रुकेंगे लोग। मैंने कहा धर्मशालाओं में रुकेंगे। अरे बाहर से आने वाला व्यक्ति धर्मशाला में रुकेगा? मैंने कहा टेंट सिटी बसाएंगे, टेंट सिटी में रुकेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, काशी में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस, अब तक के सभी 15 के 15 प्रवासी भारतीय दिवस में काशी में आयोजित 15वां प्रवासी भारतीय दिवस सबसे सफलतम आयोजन रहा है अब तक का। 7,500 अप्रवासी भारतीय और भारतवंशियों ने इस आयोजन में भागीदारी की। उन्हें हम काशी में भी ले गए, काशी से उन्हें फिर हमें ले जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्हें प्रयागराज कुंभ में भी लेके गए और फिर वहां से हमने रिपब्लिक डे की परेड में दिल्ली लेकर के आए। एक 3 आयोजनों के साथ एक साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के माध्यम से, जो पूरी दुनिया से लगभग 76 देशों से उस आयोजन में प्रतिनिधि आए थे। तीसरा आयोजन पूरे देश के अंदर था, लोकसभा का सामान्य निर्वाचन। देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी जिम्मेदारी थी। 1,63,000 वोट पर हमारे यहां चुनाव होने थे। लोग बड़े आशंकित थे, पता नहीं क्या हो जाएगा। हमने कहा कुछ नहीं होने वाला, जो होगा बहुत अच्छा होगा, और अच्छा हुआ। 1,63,000 बूथ में कहीं भी कोई हिंसा नहीं हुई, कहीं भी रिपोलिंग की नौबत नहीं आई, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जादू सिर चढ़ करके बोला, भारतीय जनता पार्टी 80 में से 64 सीट उत्तर प्रदेश से जीत करके लेकर के भी आ गई। एक सकारात्मक सोच एक अभियान को एक नई ऊंचाई दे सकता है। और जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा कॉरपोरेट जगत को रिवेट देकर के दुनिया के अंदर निवेश के लिए सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारत सरकार ने स्थापित किया है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ी है। बहुत कुछ है हमारे पास। सच है कि आज से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे सामने चुनौतियां ज्यादा थी, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, व्यापक अराजकता थी, गुंडागर्दी माफिया राज चरम पर था, लोग उत्तर प्रदेश का नाम डर लेने से ही डरते थे। उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो अपनी पहचान छुपाता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं 2.5 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा हुआ है, आज पहचान का संकट न उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने है। करप्शन और क्राइम के मुद्दे पर पहले दिन से ही हमने जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई, आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर सबसे अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश की है। हमने निवेश से जुड़े भी जितने भी निवेश फ्रेंडली अपनी पॉलिसी हो सकती थी उन फोकस सेक्टर्स की उतनी पॉलिसी अपनी बना करके व्यापक निवेश की उन संभावनाओं को आगे